हेलो एवरीवन, लास्ट में रिवीजन सीरीज का जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग एसिड एंड बेसिस के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे एंड सॉल्ट्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे फर्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है कि एसिड एंड बेसिस होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि जनरल डेफिनेशन की, तो जो एसिड होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं इन टेस्ट और चेंज करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लिटमस। तो लिटमस एक, वैसे तो आपको पता होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है, बट इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लिटमस एक कुछ नहीं होता, लिटमस एक पतले पेपर की एक स्ट्रिप होती है जो कि काम आता है टेस्ट करने के लिए कि वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। तो जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में और चेंज करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। वहीं अगर हम बात करें बेस की, तो बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं यानी कड़वे होते हैं और चेंज करते हैं रेड लिटमस पेपर टू इन ब्लू इन कलर। तो ये तो थी हमारी कि जनरल डेफिनेशन क्या है, लेकिन अगर हम बात करें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंटिफिक डेफिनेशन होगी एसिड एंड बेसिस की। जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो एसिड है उसमें H प्लस आयन, हाइड्रोजन का आयन प्रेजेंट होता है और वो अपने प्रोटॉन डोनेट करते हैं यानी कि किसी और सब्सटेंस को देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेस की, तो बेस एक ऐसे मॉलिक्यूलर आयन होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड डोनर होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को देते हैं और बेस उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं एसिड से। सो दिस इज अ जनरल साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। अब इस एसिड और बेस को हम टेस्ट कैसे करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। इसके लिए एक टर्म आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब एक ऐसे सब्सटेंस जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और सब्सटेंस इज बेस। इंडिकेटर्स फोर प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक, थर्ड वन इज ओल्फैक्टरी एंड द फोर्थ वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे इंडिकेटर जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो उसका एग्जांपल है लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस हमने अभी भी डिस्कस किया था। तो जो लिटमस होता है वो एक पेपर की पतली सी स्ट्रिप होती है जो दो कलर में अवेलेबल होती है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, दूसरा रेड लिटमस पेपर होता है। तो जब हमें एसिड को चेक करना होता है तो हम ब्लू लिटमस रेड लेते हैं और उसमें एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। अगर वो ब्लू लिटमस हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम समझ जाते हैं कि दिस इज एन एसिड। सिमिलरली बेस को चेक करने के लिए हम रेड लिटमस का पेपर लेते हैं और उसमें बेस डालते हैं। अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, दिस मीन्स अ सब्सटेंस इज अ बेस। सो दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। साथ ही में टर्मरिक जो कि होती है हल्दी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। दोनों इंडिकेट करते हैं, दोनों का यूज़ करके हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। थर्ड आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर जिस जो हवा से या फिर ड्यू टू एयर हमको बताएं कि वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। Not air, but something like smell or that. Examples include onion and clove. Clove मतलब कि लौंग एंड ओनियन मतलब कि प्याज। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है, दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मीन्स कोई एक ऐसा इंडिकेटर जो कि हर जगह वैलिड हो और यूनिवर्सल हम उसको यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ pH स्केल। pH स्केल मतलब एक स्केल होती है जो कि इंडिकेट करती है कि अगर इस स्केल पे कोई सब्सटेंस आ रहा है तो एसिड होगा कि बेस होगा। पीएच स्केल को हम अभी आगे इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो अब देखते हैं एसिड और बेसिस की कुछ रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन आती है कि अगर हम किसी एसिड या बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो जब भी कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है उस मेटल का सॉल्ट, साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। समझने के लिए हमने दो एग्जांपल्स लिए। सबसे पहला एग्जांपल है ज़ेडन। ज़ेडन मतलब जिंक, जो कि एक मेटल है। उसका हमने रिएक्शन कराया एक एसिड से जो कि है H2SO4। रिएक्शन के बाद हमको मिला ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है, साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। एग्जांपल नंबर टू में हमने एक बेस लिया, दैट इज़ NaOH। उसका हमने रिएक्शन कराया मेटल के साथ, दैट इज़ जिंक। हमको प्रोडक्ट में मिला Na2ZnO2। Na2ZnO2 को हम सोडियम जिंकेट कहते हैं।
ये कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसका नाम. सो Na2ZnO2 इज सोडियम सिंगेट और साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. सो ओवरऑल किसी भी एसिड या बेस का रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. फिर दूसरी रिएक्शन है कि अगर हम किसी भी मेटल के कार्बोनेट्स और किसी के मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को रिएक्ट कराएं एसिड के साथ तो क्या होगा. तो जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है उस मेटल का सॉल्ट, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और हमको मिलते हैं वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स. एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का. सोडियम का कार्बोनेट होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3. सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3. तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की. हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक ए और एक बी. ए में हमने लिया 0.5 ग्राम सोडियम का कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, और दूसरे टेस्ट ट्यूब यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट 0.5 ग्राम, दैट इज NaHCO3. फिर हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl एसिड जो की है उसको हमने डाल दिया. जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमको क्या देखने को मिला, मीन्स ओवरऑल हमने सोडियम का कार्बोनेट लिया, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसको HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ मिला दिया तो कुछ रिएक्शन हुई. तो रिएक्शन में हमको देखने को मिला कि जब भी जो ए टेस्ट ट्यूब है दैट इज सोडियम का कार्बोनेट, उसने जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो हमको मिला उसका सॉल्ट, दैट इज NaCl. NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट. तो हमको सॉल्ट मिला, साथ ही साथ H2 यानी कि वाटर मिला और CO2 गैस हमारी रिलीज हुई. साथ ही में जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हमने सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था उसको हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ जो कि एसिड है, तो हमको मिला सॉल्ट, दैट इज NaCl. साथ ही में हमारी CO2 गैस रिलीज हुई और हमको वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिले. अब जो यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई है दैट इज CO2, उसका अगर हम रिएक्शन कराएं लाइम वाटर से, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है लाइम वाटर क्या है. तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज लाइम वाटर. तो अगर जो गैस हमको मिली CO2 हमको मिली, CO2 का रिएक्शन कराएं अगर हम लाइम वाटर के साथ तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CaCO3 जो कि एक सॉल्ट है, दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट, और वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज H2O. अब इस रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला दैट इज CaCO3 प्लस H2O, इसका हम फर्दर रिएक्शन कराएं CO2 के साथ यानी कि हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको मिलता है CaHCO3 यानी कि कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, और ये होता है वाटर में सोल्यूबल क्योंकि जो हमको मिला था CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट था. प्रेसिपिटेट यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल ना हो, पर इसी प्रोडक्ट को जब हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो हमको मिला CaHCO3 का होल ट्वाइस जो कि वाटर में सोल्यूबल है. फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मेटल ऑक्साइड विथ एसिड. कोई हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हम कराएं एसिड के साथ तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल के लिए हमने कॉपर लिया, कॉपर का हमने ऑक्साइड लिया दैट इज CuO, उसका हमने रिएक्शन कराया किसी एसिड के साथ. अभी के लिए हमने रिएक्शन कराया उसका HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमको मिला एज अ प्रोडक्ट दैट इज कॉपर का क्लोराइड दैट इज सॉल्ट ऑफ कॉपर CuCl2 प्लस साथ ही में हमको वाटर मिला. सो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड वी विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर. अभी हम लोगों ने देखा मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन. अब हम देखते हैं कि किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या मिलेगा. तो सिमिलरली अगर हम किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको सॉल्ट मिलेगा और साथ ही में वाटर मिलेगा. सिंपल एग्जांपल के लिए हमने CO2 लिया दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसको हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया दैट इज CaOH का होल ट्वाइस तो हमको मिला सॉल्ट दैट इज CuCO3 एंड वाटर दैट इज H2O हमको मिला. सो दीज टू रिएक्शन आर सिमिलर कि अगर हम किसी भी मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्ट कराएं और किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको दोनों ही केसेस में मिलता है सॉल्ट साथ ही में वाटर. फिर अब लास्ट रिएक्शन आती है कि अगर हम एसिड और बेस दोनों को आपस में रिएक्ट करा दें तो क्या मिलेगा. जब भी किसी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो जो बेस का जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है एसिड के कारण, और जो एसिड का जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है हमारा बेस के कारण. इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल हो जाना, जो एसिड का इफेक्ट है वो बेस कैंसिल कर देगा और जो बेस का इफेक्ट है वो हमारा एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल कर देगा. अब जब दोनों के इफेक्ट हमारे कैंसिल हो गए तो रिएक्शन हमारी न्यूट्रल हो गई. रिएक्शन के लिए अगर हम
बेस और एसिड के रिएक्शन कराएं तो हमको मिलता है सॉल्ट, साथ ही में वाटर. फॉर एग्जांपल हमने लिया NaOH, NaOH हमारा बेस है, उसका हमने रिएक्शन कराया HCl से जो कि एक एसिड है, तो हमको मिला सॉल्ट दैट इज़ NaCl जो कि न्यूट्रल होता है, और साथ ही में हमको वाटर भी मिल गया. इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. सो अगर क्वेश्चन में आएगी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब जो हमारे एसिड और बेस हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, कुछ हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ लीस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो पता करने के लिए कि कोई भी एसिड या फिर बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का, जिसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है दैट इज़ pH स्केल. pH स्केल एक स्केल है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर काम करती है. pH स्केल की जो एक हल्की सी इमेज है वो आपको साइड में शो हो रही होगी, दिस इज़ नोन एज pH स्केल. अब pH स्केल को समझने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ऊपर पर से समझते हैं. pH स्केल एक नॉर्मल सी स्केल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करती है. pH चीज़ पढ़ी थी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि जो एसिड होता है हमारा उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एच प्लस आयंस. तो pH स्केल जो होती है वो उसी हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने के काम आती है. ओके, pH स्केल में जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लगाकर 14 होती हैं. अब 0 से 14 में जो मिडिल की टर्म है दैट इज 7, तो 7 हमारा होता है न्यूट्रल. मीन 7 बीच में आता है तो उसको हमने मान लिया न्यूट्रल. 0 से 14 की स्केल है, इसमें 7 हमारा न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि आते हैं वाटर, वाटर ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है. तो 7 हमने मान लिया न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए. अब 0 से 7 जो वैल्यूज होंगी वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगी. मींस कोई भी सब्सटेंस जो जिसकी pH वैल्यू 7 से कम आ रही है उसको हम एसिडिक कंसीडर करेंगे, और ऐसी सब्सटेंस जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आ रही है मींस 7 से 14 की तरफ जा रही है उसको हम बेसिक के कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे. pH स्केल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं. पहला पॉइंट ये है कि ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ pH स्केल. मींस एक ऐसी स्केल जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करे उसको हम कहते हैं pH स्केल. pH स्केल में जो p है उसको मतलब होता है पोटेंस, जिसका मीनिंग होता है पावर. pH स्केल 0 से लगाकर 14 तक वैल्यू शो करता है, मींस जो 0 होगा वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा और जो 14 होगा वो बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा. एल्कलाइन मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है. 0 हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतनी कम होगी. आई रिपीट, हाइड्रोनियम आयन जो कि एसिड में प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतनी ही कम होगी. यानी कि अगर किसी भी एसिड है उसकी ए एसिड है उसकी pH वैल्यू है मान लीजिए 3 और दूसरा एसिड है उसकी pH वैल्यू है मान लीजिए 6, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड किसका होगा? सो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ए वाले का, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा है और जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं. वैल्यूज लेस देन 7 ऑन pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. जितनी भी वैल्यूज 7 से नीचे की तरफ, यानी कि 0 से 7 पे कोई भी सब्सटेंस आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एसिडिक, और 7 से 14 में जिसकी भी pH वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन. अब pH स्केल का एक डायग्राम देखते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ pH स्केल. जो 7 है हमारा इसको हमने मान लिया न्यूट्रल. 0 से 14 की हमारी स्केल है, 7 इज अवर न्यूट्रल. अब जो 0 से 7 यानी कि 7 से जो कम है इसको हमने मान लिया एसिडिक सॉल्यूशन, एंड 7 से जितने ज़्यादा हैं 7 से 14 उसको हमने मान लिया बेसिक. ओके, अब जैसे जैसे हम 7 की से चलकर 0 पे आते जाएंगे, मीन्स हम ऐसे मूव करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो एसिड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. लाइक 7 पे 6 पे आए तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 पे गए तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 4 पे गए तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे करके जब 0 पे आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जिसकी pH वैल्यू 0 हो. फिर उसके बाद जैसे जैसे हम 7 से अपने राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, दैट इज 7 से 14 की तरफ, तो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती चली जाएगी. जैसे 7 से 8 पे आए तो बेसिसिटी बढ़ी, 7 से 9 पे गए तो हमारी बेसिसिटी और बढ़ी. जब ऐसे ऐसे करके 14 पे आएंगे तो हमारी जो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन बेस होगा वो हमारी 14 वैल्यू शो करेगा. सो आई होप आपको pH वैल्यू जो कि एक नेचुरल और यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग कुछ pH वैल्यू डिस्कस करते हैं. पहला pH वैल्यू है ऑफ सॉल्ट्स. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसकी pH वैल्यू होगी 7. वहीं अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा उसकी pH वैल्यू होगी लेस देन 7, एंड कोई स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड होगा उसकी pH वैल्यू होगी मोर देन 7. ओवरऑल ये कि न्यूट्रल सॉल्ट्स की वैल्यू होगी 7, जो भी एसिडिक सॉल्ट्स होंगे उसकी pH होगी लेस देन 7, जो बेसिक सॉल्ट्स होंगे उनकी pH होगी मोर देन 7. सेकेंड डिस्कस करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की pH वैल्यू. तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है pH रेंज ऑफ 7 से 7.8. मीन्स हमारी बॉडी की जो pH वैल्यू है वो होती है 7 से 7.8 के बीच में.
जो हमारा रेन वाटर होता है यानी कि बरसात का पानी, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 5.6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू 5.6 से कम होती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज एन एसिड रेन। वही एसिड रेन अगर पानी में जाएगी लाइक रिवर्स या फिर लेक्स एंड वाटर बॉडीज़ में, तो वो एक प्रकार का एसिड हुआ, एसिडिक नेचर शो किया, तो वो फिर हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और उनके सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है। पीएच वैल्यूज़ लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है, एसिड रेन किसको कहते हैं। तो एसिड रेन मतलब जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 है। फिर नेक्स्ट है हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जो हमारा एसिड का इफेक्ट है वो बेस से कैंसिल हो सकता है, जो हमारा बेस का इफेक्ट है वो एसिड से कैंसिल हो सकता है। जो अभी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन कभी कभी हमारे स्टमक में इनडाइजेशन हो जाता है, मीन्स हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो हमको बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन फील होता है। इस पेन और इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टमक है उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है। अब उससे उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करेंगे, उस बेसिस को हम लोग कहते हैं एंटासिड्स। जब हम एंटासिड्स लेते हैं तो जो हमारा स्टमक के अंदर प्रेजेंट एसिड है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एंटासिड है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीएच ऑफ आवर माउथ, यानी कि माउथ में या फिर हमारे टूथ में, टीथ में पीएच वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है। तो जो सबसे पहले जो हमारा टूथ होता है, जो माउथ होता है, उसका जो पीएच है वो कभी भी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स 5.5 तक ओके है, 5.5 के अगर नीचे जाता है तो हमको टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा टूथ इनेबल है या फिर जो हमारा टूथ है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे दांत होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं बॉडी में, और ये कभी भी वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है बल्कि ये कोरोड हो जाता है। अब यहाँ पे कोरोजन मतलब ये नहीं कि जंग लगना, बल्कि यहाँ पे कोरोजन का मतलब है कि हमारा जो टूथ है वो ख़राब हो जाता है तब जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो बिलो 5.5 जाता है। इसको बचाने के लिए एक्चुअली में होता क्या है, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारे मुंह में जितनी भी शुगर कंटेंट हैं या फिर फूड पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से डिग्रेड हो जाएं खाते वक्त। लेकिन कभी कभी ये जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। अब जब एक्सेस अमाउंट में एसिड होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, उसी हिसाब से जब पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे जाती है तो टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब टूथ डिके की प्रॉब्लम हमको ना हो इसके लिए हमें एसिड कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर एसिड की पीएच वैल्यू कम करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होता है, वो क्या करता है जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हमारे माउथ में प्रेजेंट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि हमने प्रीवियस अभी पढ़ा था कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वो दोनों आपस में इफेक्ट अपने कैंसिल कर देते हैं, तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर होने के कारण वो एसिड का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमारी जो टूथ टिके की प्रॉब्लम है वो नहीं होती या फिर प्रिवेंशन होता है उससे। ये था हमारा एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है, तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जब वो बनता है जब किसी एसिड का नेगेटिव आयन कंबाइन हो किसी बेस के पॉजिटिव आयन के साथ, और ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी प्रीवियसली पढ़ी भी थी। तो जब भी किसी एक एसिड का नेगेटिव आयन कंबाइन हो बेस के पॉजिटिव आयन से तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं, तो ऐसा सॉल्ट जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो साइंटिफिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम मतलब Na एंड क्लोराइड मतलब Cl, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये वही सॉल्ट है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वही सॉल्ट है जिसको हम अपने खाने में डालते हैं, इसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं।
अब ये कॉमन सॉल्ट, ये सोडियम क्लोराइड, ये बहुत जगह काम आता है एज अ रॉ मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स में काम आता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इन सब में हमारा कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब इन सब मटेरियल को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब इस कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके जितने भी प्रोडक्ट्स या जितने भी मटेरियल्स बने उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई रिपीट, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ब्राइन। तो अगर कहीं पे आपको दिखा है ब्राइन लिखा हुआ तो उसका मतलब यह है कि वो सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारे कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। और जब उस एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमको मिलेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी पास करना फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। आई रिपीट, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब होता है क्लोरीन एंड अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन है NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट प्लस 2H2O, तो हमको मिला NaOH दैट इज सॉल्ट। साथ ही में हमारी Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस रिलीज हुई एंड हाइड्रोजन हमको मिला। ये इस क्लोर अल्कली प्रोसेस का हमारा डायग्राम है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस रिएक्शन में दैट इज़ NaCl प्लस H2O गैस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, इस रिएक्शन में जो हमको प्रोडक्ट्स मिले दैट इज़ NaOH, Cl2 एंड H2, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में काम आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें NaOH की, तो जो NaOH है हमारा वो डीग्रेजिंग मेटल्स में काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में काम आता है, पेपर मेकिंग में काम आता है एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में काम आता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला दैट इज़ Cl2 यानी कि क्लोरीन, वो हमारा वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स में। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा पानी साफ हो जाए, सो क्लोरीन हमारा इसमें काम आता है। एंड जो थर्ड प्रोडक्ट हमको मिला दैट इज़ H2, H2 हमारा काम आता है इन फ्यूल्स, मैरीग्रीन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में। हमारे ये तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट कामों में काम आते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने कभी ना कभी इसका नाम तो सुना ही होगा। जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो जो स्लेक्ड लाइम है उसमें अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करा दें तो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। आई रिपीट, जब भी क्लोरीन का रिएक्शन होता है स्लेक्ड लाइम में तो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसकी अगर रिएक्शन देखें तो CaOH का होल ट्वाइस, यह है हमारा स्लेक्ड लाइम, उसका जब हमने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ दैट इज़ Cl2, तो हमको मिला CaOCl2 एंड दिस इज़ अवर ब्लीचिंग पाउडर। एंड साथ ही में H2O दैट इज़ वाटर मिला। अब इस ब्लीचिंग पाउडर के मैनी यूजेस हैं। पहला यूज़ इसका यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने का काम आता है, और लॉन्ड्री में जो क्लोथ्स होते हैं उसको ये ब्लीच करता है। दूसरा यूज इसका ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड यूज इज़ कि ये गंदे पानी को साफ करने के भी काम आता है, इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। आपने कई बार सुना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को हमने पानी में डाल दिया तो हमारा पानी बिल्कुल साफ हो गया। सो ये कुछ यूजेस थे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के। अब नेक्स्ट मटेरियल जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट की मदद से बनता है दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आपने इसका नाम तो 100% सुना ही होगा, और ये हमेशा खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि केक हो गया या ब्रेड हो गया, उसको स्पॉन्ज बनाने में, उसको सॉफ्ट बनाने में हमारी मम्मी लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती हैं। सो पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। सो जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला इज NaHCO3। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3। ये बनता है सॉल्वे प्रोसेस से,
मीन्स जिस प्रोसेस से बेकिंग सोडा हमारा बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस होती क्या है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, इसमें जब भी हम NaCl को, जो कि है हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जब भी हम हमारे कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं या ऐड करते हैं H2O वाटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 एमोनिया, जब इन चारों चीज़ का आपस में ऐड करके इनका रिएक्शन कराते हैं तब हमको मिलता है हमारा NH4Cl दैट इज़ एमोनियम क्लोराइड एंड हमारा बेकिंग सोडा दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी रिएक्शन को, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बहुत सारे उसके यूजेस हैं। पहला यूज़ उसका ये है कि जो बेकिंग सोडा है हमारा वो बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब भी हम बेकिंग सोडा का मिक्सचर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे किसी माइल्ड एडिबल एसिड में। अब माइल्ड एडिबल एसिड क्या होता है, माइल्ड मतलब एक हल्का एसिड, हल्का मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, माइल्ड हो, एडिबल मतलब जो खाने में जिसको हम खा भी सकते हैं, और एसिड तो ऐसा एसिड जो कि माइल्ड एडिबल हो जिसको हम खा सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, उस एसिड के साथ अगर हम बेकिंग सोडा का रिएक्शन कराएं तो हमको बेकिंग पाउडर मिल जाता है। अब जब उस बेकिंग पाउडर को हम हीट करेंगे या पानी के साथ मिक्स करेंगे तो एक रिएक्शन होती है NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा, इसको हमने H+ यानी कि वाटर या फिर के साथ रिएक्ट कराया तो हमको मिली CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O दैट इज़ वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये जो हमारी CO2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई, ये जो रिलीज़ हुई इसकी वजह से हमारा जो ब्रेड है या फिर जो केक है ये थोड़ा सा राइस हो जाता है और वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। इसीलिए जो बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है उसका इस्तेमाल हम लोग केक को फुलाने के लिए या फिर केक या ब्रेड में या फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी उसको हम हीट करेंगे, क्योंकि अगर हम फूड पार्टिकल्स में डालेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है वो हीट होगा, या फिर उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो जब इनका रिएक्शन बेकिंग पाउडर का पानी या फिर हीट में होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से हमारा ब्रेड या फिर केक स्पॉन्जी बन जाता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि ये एंटासिड्स में भी काम आता है। और एंटासिड्स आपने पढ़ा ही है अभी कि किस लिए काम आता है, कि जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे पेट में एसिडिटी जैसी अगर कोई समस्या होती है तो उससे हमको रिलीफ मिल जाती है। एंड द थर्ड यूज़ है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिक्यूशन में भी काम आता है। फिर नेक्स्ट केमिकल जो कि ऑब्टेन होता है हमारा कॉमन सॉल्ट से, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का भी नाम आपने सुना ही होगा, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं। अगर हम बात करें इसका केमिकल नेम की तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कैसे होता है, तो जो हमने सोडियम कार्बोनेट अभी पढ़ा उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर दें तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाता है। रिएक्शन इज Na2CO3+10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O एंड Na2CO3.10H2O दिस इज अवर वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के भी काफ़ी यूजेस हैं। पहला यूज़ ये है कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, और सोडियम के कंपाउंड जैसे बोरैक्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है। ये क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्लीनिंग एजेंट जैसे वॉशिंग सोडा का हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो क्लीनिंग एजेंट एंड इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी से परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर द मटेरियल्स या दीज ऑल आर द केमिकल्स जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट की मदद से बनते हैं। सो अवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आना है, फिर चाहे वो आपका स्कूल बोर्ड एग्जाम्स हो, CBSE बोर्ड, एनी बोर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्यों ना हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस टॉपिक में दो टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट वन तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द सेकेंड वन इज जिप्सम। दोनों ही टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं, सो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, सो किसी भी एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में, कोई भी सॉल्ट में एक यूनिट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
आई रिपीट कि हमने एक यूनिट कोई भी सॉल्ट लिया, उस एक यूनिट सॉल्ट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके एक सॉल्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। जिप्सम में हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है जिप्सम का वो होता है CaSO4.2H2O। अब इसी जिप्सम को हम अगर हीट करें एट 373 डिग्री केल्विन, तो इसके पास जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये उस वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देता है और बन जाता है हमारा CaSO4.5H2O, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहले क्या था, CaSO4.2H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स थे इसके पास वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन जब हमने इसको हीट किया एट 373 केल्विन तो इससे हमने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए और इस बन गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि अब पहले दो थे वाटर मॉलिक्यूल्स, अब इसके पास बचे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसी को CaSO4.5H2O को ही हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरियस यूजेस में काम आता है, जैसे कि फ्रैक्चर्ड बोन्स में जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो प्लास्टर चढ़ाते हैं, जब हमारा हाथ या फिर पैर या फिर कोई भी बॉडी पार्ट टूट जाता है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना हुआ होता है। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वापस से पानी के साथ मिक्स कर दें तो वो वापस से जिप्सम बना देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे टॉयस बनाने के काम में आता है, डेकोरेशन के काम में भी आता है, और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अवर होल चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एक लास्ट का क्विक रिवीजन लेते हैं ऑफ दिस चैप्टर, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी वैसे एसिड एंड बेसिस। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें और उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। वहीं बात करें बेसिस की, तो बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और दे आर जनरली बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन में एसिड H+ आयन कंटेन करता है और वो प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है किसी और सब्सटेंस को। वहीं बेसिस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा जो कि हेल्प करते हैं एसिड और बेसिड पहचानने में। चार टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। नेचुरल इंडिकेटर्स में जो कि नेचुरल पाए जाएँ, दैट इज लिटमस एंड टर्मरिक। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। ओल्फैक्टरी में ओनियन एंड क्लव, एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज pH स्केल। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी। अगर हम एसिड या फिर बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएं तो हमको मिलेगा सॉल्ट, साथ ही में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अगर किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएं एसिड के साथ तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी, दैट इज अगर किसी मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो एसिड के साथ तो हमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो बेस के साथ तो हमको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, ये दोनों रिएक्शन सिमिलर हैं। फिर अगर हम एसिड एंड बेस को आपस में रिएक्ट करा दें तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साथ ही में वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिनोट करती है, शो करती है। इसमें 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। 0 यानी कि वेरी एसिडिक, 14 यानी कि बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन, 7 हमारा न्यूट्रल मानते हैं। अगर वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो मतलब कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और अगर हमारी वैल्यू 7 से 14 के बीच में है तो वो हमारी बेसिक नेचर शो करेगा। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे वैसे हमारी एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा बेस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर हमने पीएच ऑफ सॉल्ट्स पढ़े, दैट इज 7 एंड लेस देन 7 मतलब एसिड एंड ग्रेटर देन 7 मतलब बेस। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है वो 7 से 7.8 की पीएच वैल्यू शो करती है। अगर किसी रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन की कैटेगरी में लाते हैं। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि जो हमारा स्टमक है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा बॉडी का जो फूड आइटम है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, पर कभी कभी
एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके हमको एसिडिटी की समस्या होती है, उसके लिए हम एंटी एसिड्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। वन सच एग्जाम्पल इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर हमने टूथ डिके के बारे में पढ़ा कि जो हमारे टूथ डिके होता है उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 5.5 से कम ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने सॉल्ट का देखा, सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट एक ऐसे कंपाउंड जो कि नेगेटिव आयन फ्रॉम एसिड और पॉजिटिव आयन फ्रॉम बेस से कंबाइन होकर बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और ये वही सॉल्ट है जिसको हम खाने में अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लें और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि स्लेक्ड लाइम को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर जो कि बनता है सॉल्वे प्रोसेस से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा मतलब अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दें तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाते हैं। इनके यूजेस पढ़े। फिर हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड जिप्सम। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जिप्सम के पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन में हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और बचता है सिर्फ CaSO4.5H2O, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस। और यही प्लास्टर ऑफ पैरिस को अगर हम वापस से पानी में मिला दें तो हमको वापस से जिप्सम मिल जाता है। इसके वेरियस यूजेस ये हैं कि फॉर फ्रैक्चर बोन्स एंड फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ एंड फॉर डेकोरेशन। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।